हेलो एवरीवन, दिस इज़ त्रिशा यो, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का टॉपिक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आई रिसेंटली पोस्टेड अ वीडियो ऑन पार्शियल ड्रॉप, हाउ टू मैनेज बीएससी नर्सिंग विद नीट, और उस वीडियो के थ्रू बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मेरा पूरा जर्नी, लाइक फुल पार्शियल ड्रॉप जर्नी शेयर करने के लिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम माई टाइम टेबल टू माई मेंटल कंडीशन टू एवरीथिंग टू नीट अप टू माई नीट एग्जाम। बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे थे शायद मेरे वीडियो से, मेरे जर्नी से, इसीलिए सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपना जर्नी शेयर करूँ ताकि उन लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि हाउ दे शुड स्टार्ट और हाउ दे शुड गो ऑन विद देयर जर्नी। ऑनेस्टली जब आई टुक पार्शियल ड्रॉप मुझे ऐसा कोई भी गाइडेंस नहीं मिला था। मैंने जितना भी किया है, जो भी किया है, खुद से किया है मैंने, मुझे कोई पार्शियल ड्रॉप लेके मुझे कोई गाइडेंस कभी नहीं मिला था। तो मैं बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करती गई एंड लकीली सब चीज़ें मेरे लिए फेवर में था, इसीलिए फाइनली आई मेड इट। सो यही है कि मैं अपना जर्नी शेयर करना भी चाहती हूँ ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिले जो मुझे कभी मिला नहीं था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इन दिनों में बहुत कम टाइम स्पैन में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है, इसलिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा इस प्लेटफॉर्म में आके, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नाउ लेट्स जंप इन टू द वीडियो। एज आई सेड बिफोर दैट 2022 में माई नीट स्कोर वॉज 429 एंड उसके बाद जब मैंने देखा कि बी एस सी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है हमारे स्टेट में वो मैं क्लियर कर रही थी एंड माई रैंक वॉज नियरली अबाउट 800, आई डिड काउंसिलिंग तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज कोलकाता अलॉट हुआ सेकेंड राउंड तक। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं नर्सिंग में चली जाऊँ या फिर नीट के लिए फुल ड्रॉप लूँ। घर से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लाइक आई ऑलरेडी सेड दैट हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना ज़्यादा अच्छा तक नहीं था। मुझे बहुत जल्दी सेटल होने का एक अर्ज था एंड तब तक मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी। मुझे लगा था कि ठीक है मेरा नर्सिंग हो गया है, मैं वही करने चली जाती हूँ, आई एम हैप्पी विद दैट। ये भी मेडिकल लाइन है और MBBS भी मेडिकल लाइन ही है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और वैसे भी BSc नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है आई गेस। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं नर्सिंग कर लेती हूँ, इसके 4 सालों में मैं सेटल भी हो जाऊँगी एंड मैं अपनी फैमिली को देख पाऊँगी उसके बाद। सो दैट वॉज माई एक्चुअल थिंकिंग बिहाइंड टेकिंग BSc नर्सिंग। इनिशियली सच में मैंने सोचा नहीं था कि मैं नीट के लिए फिर प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आई जस्ट मुझे लगा था कि ठीक है BSc नर्सिंग इज़ ओके फॉर मी। मैं इनिशियली क्लासेस भी की थी, फुल टाइम क्लास करती थी मैं तब 8 to 5। यहाँ पे मैंने एक PG लिया था मेरे कॉलेज के सामने, बिकॉज स्टार्टिंग में हमें हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ था, उसके बाद जब हुआ था तो मैंने नहीं लिया। मैं कॉलेज कर रही थी, सब अच्छा ही चल रहा था, बट देन जब हमारा वार्ड ड्यूटी स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा, जब मैं वार्ड पे जाती थी पेशेंट्स को डील करना पड़ता था हमें स्टार्टिंग से ही, उनका हिस्ट्री टेकिंग, फिर उनका उन वाइटल साइन सब कुछ लेना पड़ता था। आप जब, जो लोग BSc नर्सिंग करते हो उनको पता होगा कि वार्ड ड्यूटी में जाने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या क्या काम रहता है। आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ माई जॉब या फिर आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड विथ माई करियर। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वार्ड पे जाने के बाद, आई वॉज़ फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। तो घर पे मैं आती थी, उसके बाद मैं सोचती थी, वार्ड हमारा स्टार्ट हुआ था नवंबर में, नवंबर तक मैंने पढ़ाई नहीं स्टार्ट किया था नीट के लिए। नवंबर 7 को हमारा वार्ड ड्यूटी जब स्टार्ट हुआ तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई कोर्स एंड आई नीड टू चेंज दिस। तब मुझे और भी लगा कि नो, आई विल अगेन प्रिपेयर फॉर नीट। मतलब बैक ऑफ द माइंड मुझे था कि अगर मुझे स्कोप मिले तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। ऐसा नहीं था कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना ही है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं नर्सिंग में जाती हूँ, उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा, अगर मुझे स्कोप मिलेगा, देन ओनली आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो जब हमारा वार्ड स्टार्ट हुआ, वार्ड ड्यूटी, तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, या फिर अगर मुझे रहना है तो यहाँ पर मुझे एज एन MBBS स्टूडेंट आना है या फिर एज अ इंटर्न आना है वार्ड में। आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी ऑफ द कोर्स, सब सारे कोर्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंस होते हैं, आप किसी को किसी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो। आप BSc नर्सिंग को MBBS के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो और आप पैरामेडिकल को भी MBBS के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो। इन द मेडिकल सिस्टम, इन द हेल्थ
health system, we need paramedical students also. We need BSc nursing students also, because nurse के अलावा क्या होगा? Nurse के अलावा doctor सब लोग सब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, possible नहीं है. So everything has their own importance. But ये मेरा अपना opinion मैं आपके साथ share कर रही हूँ. This does not mean कि मैं आपको provoke कर रही हूँ. No, आप nursing मत करो, आप NEET के लिए paper करो. No. If you are satisfied, then go for it. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको MBBS में satisfaction नहीं मिलती है, कुछ और course में मिलता है, तो वो क्या फालतू हैं? ऐसा नहीं है. It is up to you कि आपको satisfaction कहाँ मिल रही है. ज़िंदगी में satisfaction is very important, जो भी आप कर रहे हो. So मुझे वो satisfaction नहीं मिल रही थी. मुझे लग रहा था कि मैं अगर board पे आऊँगी तो मैं as an MBBS student आऊँगी. उसके बाद मैं घर पे आके बहुत ज़्यादा सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं नीट के लिए फिर प्रिपेयर करूँ तो मैं करूँ कैसे. इट इज़ 8 to 4 तो मैं बिज़ी रहती हूँ. शाम के 4 बजे घर आने के बाद आई टेक रेस्ट लाइक 1 to 1.5 आवर. मुझे खाना पीना सब कुछ करना पड़ता था तब. तो अगर मैं 6 बजे से भी पढ़ने बैठती हूँ तो 6 से 10, ठीक है, फिर 10 से 11 आप डिनर ले लो, फिर 11 बजे हमको मुझे सोना पड़ता था क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे या 7 बजे तक उठ जाना पड़ता था. तो मैंने सोचा मैं पढ़ूँ कब. मैंने इतना सोच के पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था. मुझे लगा था कि जो होगा देखा जाएगा, मैं भी पढ़ने बैठ जाती हूँ. तो मैं कभी भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ने बैठ जाती थी. तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि टाइम टेबल के बारे में. सो ओके, आई एम शेयरिंग द टाइम टेबल नाउ. सुबह 7 बजे करीब मैं उठ जाती थी. उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके और रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाती थी. 8 बजे के अंदर मैं कॉलेज में घुस जाती थी. 8 से 4 आई एम डन विथ माई कॉलेज. 4 बजे मैं घर आती थी, थोड़ा सोती थी 1-1.5 घंटे के लिए, फिर फ्रेश एंड अप होके 6 बजे से या फिर कभी कभी 5:30 बजे से मैं पढ़ने बैठ जाती थी. फिर 5:30-6 बजे से लेके रात के 9-9:30 तक मैं पढ़ती थी. जब भी मैं पढ़ने बैठती थी, मतलब वो शाम का 6 बजे मेरे लिए सुबह के 8 बजे जैसा है, क्योंकि सब लोग, मैक्सिमम लोग सुबह अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. मैं शाम के 6 बजे में स्टार्ट कर रही थी. सो मुझे वही काम करना है अभी शाम के 6 बजे में जो बाकी स्टूडेंट सुबह 8 बजे कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा 24 आवर का टाइम टेबल मुझे कंप्रेस करके शाम को करनी थी. तो ऐसे ही मैंने डिवाइड कर लिया था कि शाम के 6 बजे से आई स्टार्ट विद बायोलॉजी, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और वो मेरा स्ट्रॉन्ग था. तो मैं बायोलॉजी से स्टार्ट करती थी, एनसीईआरटी पढ़ती थी, कुछ क्वेश्चंस लगाती थी, आई एम डन. ठीक है, एक चैप्टर मैक्सिमम में स्टार्टिंग में तो मैं एक या आधा चैप्टर करती थी. उसके बाद आई गो टू केमिस्ट्री. फिर मैं केमिस्ट्री करती थी. केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, आपके थ्योरीज हो गए, सब कुछ करने के बाद मैं फिजिक्स पे जाती थी. फिजिक्स में भी वैसे फार्मूलाज देख लिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस. फिजिक्स में एज सच कोई थ्योरी नहीं होता है, तो मैं फार्मूला देख लेती थी सिर्फ, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर के ऑलरेडी नोट्स थे, तो मैं उसी से फिजिक्स के फार्मूलेज देख लेती थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी. फिर 9:30-9 बजे मैं डिनर लेने जाती थी मेरे पीजी में, क्योंकि मैं पीजी में रहती थी तो डिनर का टाइम है 9 बजे. तो 9:30-9 बजे मैं डिनर लेने जाती थी. 10:30 तक मैं डिनर विनर और थोड़ा सा इधर उधर करके 10:30 या फिर मैक्स टू मैक्स 11 बजे तक मैं फिर पढ़ने बैठती थी. 11 से कभी कभी 12, 12:30, कभी कभी 1 बज जाता था पढ़ते पढ़ते, फिर मैं सो जाती थी. ये था मेरा टाइम टेबल. तो आप देख सकते हो कि 6 से 9:30 इट्स 3.5 आवर्स नियरली, और उसके बाद रात को 1.5 आवर, मतलब 4 to 5 आवर्स मुझे मेरा कभी होता नहीं था, 4 आवर्स होता था हार्डली. तो नवंबर के मिड तक मेरा यही टाइम टेबल था. फिर मिड ऑफ नवंबर से मैंने अपना टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया. जैसे मैं शाम को पढ़ रही थी वो मैं पढ़ ही रही थी, बट मैं कॉलेज में पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद. तो जब हम सुबह 8 बजे कॉलेज जाते थे, हमें स्टार्टिंग में ही वार्ड जाना पड़ता था. 8 से 12 बजे तक हमारा वार्ड ड्यूटी होता था. तो वार्ड के टाइम में बहुत सारा काम रहता है वार्ड में, आपको पता होगा जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हो. तो उसके बीच बीच में मैं क्या करती थी, हमारा एक ड्रेसिंग रूम आप बोल सकते हो या फिर एक रेस्टिंग रूम होता है वहीं पे वार्ड में ही, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स जाके हमारा सारे सामान या फिर ऐसा कुछ सब कुछ रखते थे. स्टोर रूम टाइप एक रूम होता है. मैं बीच बीच में वहाँ जाके पढ़ती थी, फ़ोन पे क्वेश्चन लगाती थी, कभी एनसीईआरटी बायो का एनसीईआरटी रिवाइज करती थी, कभी फिजिक्स के फॉर्मूलेज रिवाइज करती थी, कभी केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज रिवाइज करती थी. जब जो मन होता था मैं वो पढ़ती थी. सुबह उठ के मैं ये सोचती थी कि मैं आज कॉलेज में जाके क्या पढ़ूंगी, तो जो जो मैं पढ़ूंगी वो मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर लेती थी बुक से या फिर कॉपी से, कुछ भी मुझे पढ़ना होता, क्योंकि मैं वहाँ पे कॉपी कैरी नहीं कर सकती थी वार्ड में, तो फ़ोन कैरी कर सकती थी.
फ़ोन भी पहले पहले अलाउड नहीं था हमको, लेकिन मैं फिर भी ले गई थी. शुड नॉट डू दैट, बट ठीक है, मैं अपने मेरा इंटेंशन गलत नहीं था. तो मैं फ़ोन इसीलिए ले जाती थी ताकि मैं पढ़ पाऊँ. तो मैं फ़ोन पे पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बट मैं टच में रहती थी पढ़ाई के साथ. ऐसा नहीं है कि 8 से 12 चार घंटे में पढ़ रही हूँ, नहीं, 8 से 12 के बीच में शायद मैं 15 मिनट पढ़ती थी, कि मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर पढ़ती थी. इससे ज़्यादा मैं पढ़ूँ कब, वर्ड में तो काम भी होते हैं ना. तो ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम पढ़ रही हूँ, बट मेरे दिमाग में हमेशा पढ़ाई रहती थी. मतलब मैं काम भी कर रही हूँ ना, तो मेरे NCERT या फिर फॉर्मूलेज मेरे माइंड पे ना रिवाइज होते रह रहे हैं. वर्ड में मैं काम कर रही हूँ, बट माइंड में मेरा कुछ और है. ये आपको करना चाहिए, क्योंकि तब क्या होगा कि आपका फोकस कभी डगमगा नहीं जाएगा. फोकस हमेशा फोकस में रहेगा अगर आप टच में रहोगे तो. अगर आपको लगेगा नहीं नहीं मैं 3 घंटे मूवी देखने चले जाती हूँ, तो 3 घंटे के लिए आप भूल जा रहे हो कि आप एक नीट एस्पिरेंट हो. 3 घंटे बाद जब आप फिर पढ़ने जाओगे ना, आपका मन नहीं बैठेगा. मेरे साथ ऐसा होता था, इसीलिए 1 साल तो मैंने कुछ भी ऐसा सच नहीं किया था. ऐसा नहीं है कि मैं घर से नहीं निकलती थी, घर से निकलती थी, बट बहुत कम, बहुत रेयर. 12 से 1 हमारा लंच आवर होता था, 1 बजे से लेकर फिर थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी 4 बजे तक. तो थ्योरी क्लासेस में मैम पढ़ाती थी सामने, और मैं एकदम लास्ट बेंच में बैठती थी, और डेस्क में मेरा आइदर कोई बुक होता था, वो मैं पढ़ रही होती हूँ, या फिर मैं फ़ोन में पढ़ रही होती हूँ. क्लास में करती ही नहीं थी मैं अटेंटिवली, क्लास कभी सुनी ही नहीं हूँ. बहुत कम, शायद 1-2 बार शायद मैंने अच्छे से क्लास किया हो. उसके अलावा मैं क्लास ही नहीं करती थी. मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था कि मैं नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. हमेशा कॉलेज आवर्स में मुझे यही लगता था, ये करूँगी नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये करूँगी नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा. सब लोग कैंटीन में जाते थे खाने के लिए या फिर कहीं खाने के लिए. मैं सोचती थी नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इतना 2 घंटे के लिए मैं चले जाऊँगी, नो आई कॉन्ट अफोर्ड दैट. ये मेंटालिटी मेरा ऑटोमेटिकली बन गया था. और क्योंकि मैं एक मेडिकल कॉलेज में थी ना, तो मेडिकल कॉलेज में रहते रहते मेडिकल कॉलेज में एज एन MBBS स्टूडेंट जाने का जो अर्ज था, वो मेरे अंदर यहाँ से यहाँ आ गया था. हर दिन मैं अपने घर से मेडिकल कॉलेज को देखती थी, और मैं सोचती थी कि कब मैं इस कॉलेज पे एज एन MBBS स्टूडेंट जाऊँगी, कब मेरा ड्रीम पूरा होगा, कब मुझे और वार्ड में एज अ वार्ड ड्रेस पहन के नहीं जाना पड़ेगा. आई लिटरली वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड आई लिटरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस ओनली, कि मुझे इस मेडिकल कॉलेज में एज एन MBBS स्टूडेंट जाना है, वो मेरा ड्रीम कब पूरा होगा. सो मेरे सामने, मेरे घर के सामने मेडिकल कॉलेज वॉज माई इंस्पिरेशन. आप पूछ रहे थे ना कि वॉट वॉज माई इंस्पिरेशन, क्यों मैं इतना फोकस्ड रहती थी, बिकॉज मेरे घर के सामने मेडिकल कॉलेज है. मैं हर दिन सुबह उठ के मेडिकल कॉलेज को देखती थी, और मुझे लगता था कि यार यहाँ पर मैं एज एन MBBS स्टूडेंट नहीं जा पा रही हूँ. सो मेडिकल कॉलेज वॉज माई इंस्पिरेशन. मेडिकल कॉलेज changed my life, I would say that शायद मैं अगर नर्सिंग में नहीं आती ना, अगर मैं फुल ड्रॉप लिया हुआ होता, तो मैं नीट क्लियर नहीं कर सकती थी. क्योंकि फुल ड्रॉप लूँगी उसके बाद सेम वही होता कि मैं मतलब खाती पीती सोती, कभी कभी पढ़ लेती. मतलब आप देखोगे ना, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा ना, तो आप काम नहीं करोगे. मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मेरे ऊपर प्रेशर आता है, तब मैं काम करती हूँ, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करती हूँ. तो नर्सिंग में क्या हुआ, वार्ड का प्रेशर, उसके बाद पढ़ने का प्रेशर, क्लास करने का प्रेशर. तो उस प्रेशर में मैं और अच्छा नीट के लिए पढ़ना स्टार्ट करी थी. आई एम अ वेरी यू कैन से स्टबर्न पर्सन, कि मुझे अगर कोई बोलता है ना कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तो मैं वो और ज़्यादा करती हूँ. तो जब सब लोग बोलते कि नर्सिंग के साथ नीट कैसे हो सकता है, नहीं नॉट पॉसिबल, तो मैंने बोला कि अरे बेटा अब तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं नर्सिंग के साथ ही करूंगी और एक अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लूंगी. ऐसा नहीं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, नो नॉट दैट. ये मेरा खुद का तरीका है खुद को मोटिवेटेड रखने का, खुद को फोकस्ड रखने का. हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, मैंने अपना तरीका शेयर किया. जस्ट डोंट थिंक दैट मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या फिर किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ. नो, जो लोग बोल रहे थे वो तो सही है. BSc नर्सिंग के साथ नीट बहुत टफ है. मैं अभी भी बोल रही हूँ, और मैं बोलूँगी कि अगर आप ले सकते हो तो प्लीज़ फुल ड्रॉप ले लो, मत लो पार्शल ड्रॉप, आपके लिए अच्छा नहीं होगा. मेरे लिए काम किया था बिकॉज मेरा मेंटल स्टेट कुछ और था, मुझे थोड़ा सा प्रेशर चाहिए था, मुझे अपने घर से निकलना था, क्योंकि मेरा घर का माहौल थोड़ा ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था. इतने सारे चीज़ हुए थे मेरे साथ बैक टू बैक, इतने सारे इंसिडेंट्स. तो मुझे घर से निकलना था, और घर से निकल के प्रिपरेशन लेना था. इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक कोर्स पे चली जाती हूँ, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश होगा, उसके बाद मैं रीस्टार्ट कर पाऊँगी. इसीलिए मैंने BSc नर्सिंग का कोर्स लिया था. ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रोवोक कर रही हूँ कि आप भी पार्शल ड्रॉप लो, आप कर सकते हो. नो, एनालाइज योरसेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
एक गाइड रहना बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे, वो जो किया था मैं वही करूँगी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. बिकॉज हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर इंसान का नज़रिया डिफरेंट डिफरेंट होता है, उनका मेंटेलिटी डिफरेंट डिफरेंट होता है. सो आपको अपना मेंटेलिटी को फर्स्ट एनालाइज़ करना है. जैसे हम टेस्ट के बाद एनालाइज़ नहीं करते तो हमारा वो जो टेस्ट जो हम देते हैं वो थोड़ा सा और यू नो एफिशिएंट हो जाता है. हमारा टेस्ट देने का कोई इंपॉर्टेंस होता है. अगर हम उन्हें एनालाइज़ नहीं करते हैं तो टेस्ट देने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता. एग्जैक्टली दैट वे यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ. तो खुद को एनालाइज़ करो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपका एफिशिएंसी कितना है, आप दिन में कितने घंटे स्पेंड कर सकते हो नीट में. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि पूरे दिन में 3 से 4 घंटे के अलावा वो नीट के लिए पढ़ ही नहीं पाते. तो उन बच्चों के लिए तो अगर वो पार्शल ड्रॉप भी लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पार्शल ड्रॉप के बाद भी उनको वही 3 से 4 घंटे ही मिलेंगे, तो वो पढ़ लेंगे तो उनका हो जाएगा, दे विल बी सॉर्टेड. बट बहुत लोग होते हैं कि यू नो 10-12 घंटे पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पार्शल ड्रॉप के साथ साथ आप 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते, राइट. तो दैट्स वाई यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ. आपको अपने आप को पहचानना है, वॉट विल बी बेस्ट फॉर यू वो आप करो. डिसम्बर 15 से आई गॉट रियली सिक. मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, खाना पीना ठीक से नहीं हुआ था, और थोड़ा सा प्रेशर भी, मेंटल प्रेशर हो गया था, यू नो इधर कॉलेज जाना है, इधर नीट का प्रिपरेशन लेना है. तो आई गॉट रियली सिक दैट टाइम. और 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी, लाइक 1 मंथ का जो गैप था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था. मैं घर चली गई थी और मैं वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. 15 जनवरी के बाद मैंने सोचा कि मेरे पास अभी बच्चे हैं हार्डली 3 महीने, तो इस 3 महीने अगेन मैं अगर कॉलेज में वापस जाऊँ तो मेरा नीट कभी नहीं क्लियर होगा. तो तब भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं और कॉलेज नहीं जाऊँगी. और कॉलेज में मैं एप्लीकेशन दे के आई थी जनवरी के एंड में, दैट आई एम टेकिंग लीव फॉर 3 मंथ्स ड्यू टू मेडिकल रीज़न. मैंने ऐसे एक एप्लीकेशन दिया था और मैं और फेब्रवरी से मैं कॉलेज नहीं गई. मैं घर आ गई थी, घर में ही पढ़ रही थी. और घर में जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा टाइम टेबल थोड़ा डिफरेंट था, वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्गर. वो टाइम टेबल आप फुल ड्रॉपर के टाइम टेबल के साथ मैच कर सकते हो. वो तब मैं फुल ड्रॉपर बन गई थी लास्ट 3 महीने के लिए. हमारा कॉलेज तो स्टार्ट हुआ था अगस्त से, लेकिन अगस्त के एंड से, लेकिन सितंबर अक्टूबर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था. और अक्टूबर मंथ में तो वैकेशन था, दुर्गा पूजा का वैकेशन, तो इसलिए उस टाइम पे तो और भी मैंने ही पढ़ी थी. प्रैक्टिकली मैं अगर बोलूँ तो मैं नवंबर से पढ़ना स्टार्ट किया था, नवंबर से और नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी में मैं नहीं पढ़ी थी, फिर फरवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था. एंड में आते आते मेरे से हो नहीं रहा था. आई वॉज़ लाइक कि आई गिव अप, मुझसे नहीं होगा, मैं अभी नीट के लिए प्रिपेयर करूँगी. क्योंकि तब मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा, लाइक 50-60% सिलेबस मेरा लेफ्ट था जब फरवरी मंथ चल रहा था. तो इसीलिए आई वॉज लाइक कि नो, मुझे अब प्योरली नीट के लिए पढ़ना है, बहुत हो गया नर्सिंग, इसके बाद मैं और नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ. और मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था. सो यही था मेरा एक्सपीरियंस. इससे मैं आपको एक ही बात फिर से बताऊँगी कि अनलेस एंड अंटिल यू थिंक यू कैन डू, देन ओनली गो फॉर पार्शल ड्रॉप, बट अदरवाइज डोंट गो फॉर पार्शल ड्रॉप. इट विल बी हेक्टिक एंड इट विल बी अननेसेसरीली बॉदरेबल. आप समझ सकते हो मैं क्या बता रही हूँ. सो अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिनको प्रेशर चाहिए होता है, जिनको एक हमेशा एक यू नो ऐसा प्रेशर चाहिए होता है कि नहीं हमें तो प्रेशर में ही काम करना है, हम तो प्रेशर में हमारा एफिशिएंसी आता है, देन यू कैन गो फॉर अ पार्शल ड्रॉप. मतलब वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होगा तो आपको लगेगा कि दिन में मुझे सिर्फ 2-3 घंटे मिल रहे हैं और उसमें भी मैं अगर टाइम वेस्ट कर दूंगी तो मैं पढ़ूंगी कब. तो उस 2-3 घंटे में आप बहुत एफिशिएंटली और बहुत फोकस्ड वे में पढ़ते हो, जो मैं करती थी. पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो शाम को जब मैं आके पढ़ती थी ना तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब कंसेंट्रेटेड रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस टाइम के अलावा मुझे टाइम नहीं मिलेगा. और इस टाइम अगर मैं वेस्ट कर दूँ तो फिर तो गए काम से, मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट. सो ये एक बहुत अच्छा तरीका भी है. यू नो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के मैंने वीडियो देखे, उन वो लोग बोले थे कि एक स्टूडेंट दिन में 12 घंटा पढ़ रहा है और दूसरे स्टूडेंट दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है या फिर 4 घंटे पढ़ रहा है. लेकिन अगर वो 12 घंटा कंसेंट्रेटेडली नहीं पढ़ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है. लेकिन जो 4 घंटा पढ़ रहा है वो अगर 4 घंटा कंसेंट्रेटेडली पढ़ेगा तो वो 12 घंटे के समान पढ़ाई कर लेगा. वही मैं करती थी. अब आप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉट इज़ 12 घंटे का पढ़ाई और व्हाट इज़ 4 घंटे का पढ़ाई. सो आपको अब चूज़ करना है कि आप कौन सा लोगे. आप 12 आवर्स की पढ़ाई लोगे या फिर आप
4 आवर्स की पढ़ाई लोगे, 4 आवर्स में आपको ऐसा पढ़ना है, आपको ऐसा पढ़ना है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, आपसे ज़्यादा बेहतर कॉन्सेंट्रेटेडली कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। सो दैट वॉज माई स्ट्रैटेजी हमेशा, दैट वॉज माई माइंड सेट। ये माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू फोकस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फोकस एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, इज़ द की टू सक्सेस। ये दो चीज़ अगर आप कर लोगे, अगर आप फोकस्ड रहोगे और अगर आप अपने काम से कंसिस्टेंट रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप आज दिन में 10 घंटे पढ़ लिए उसके बाद कल आप दिन में 1 घंटे भी नहीं पढ़े, कोई फ़ायदा नहीं है। आप दिन में आज 3-4 घंटे पढ़ो, नेक्स्ट डे भी आप 3-4 घंटे ही पढ़ो, बट पढ़ो तो सही, बी कंसिस्टेंट। यू नीड टू बी कॉन्सिस्टेंट। आपके आवर्स कितने पढ़ा, कितने आवर्स आप पढ़ाई कर रहे हो वो काउंट नहीं होता है, लेकिन आप कितना कॉन्सिस्टेंटली पढ़ रहे हो वो काउंट होता है। सो आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स होगा तो आप कॉमेंट्स में मुझे बोल सकते हो, एंड आई एम सॉरी मैं सबका कॉमेंट्स एक ही टाइम पर मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, तो गिव मी सम टाइम, मैं धीरे धीरे सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव। मैं और भी नीट रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगी फर्दर, सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।